अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। दो दिन की जोरदार बारिश से भारत नगर तालाब में तब्दील हो गया है, जिसकी ओर मनपा का कोई ध्यान नहीं है। अकोला महानगर पालिका भले ही साफ सफाई का कितना ही ढिंढोरा पीटे, परंतु अकोला शहर सहित जिले में दो तीन दिनों में हुई धुआंधार बारिश ने महानगर पालिका के दावों की पोल खोल कर रखती है। भारत नगर परिसर को दो दिन की बारिश ने तालाब में तब्दील कर दिया है। यहाँ इतने बड़े प्रमाण में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था कि भारत नगर के नागरिकों के घरों में पानी घुस गया था, जिसके कारण नागरिकों का भारी नुकसान हो गया। अकोला महानगर पालिका द्वारा भारी भरकम टैक्स भारत नगर वासियों से वसूला जाता है, परंतु सुविधा के नाम पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से साल के लाखों रुपयों का टैक्स अदा करने के बाद भी इस प्रकार की स्थिति निर्माण होती है। भारत नगर की इस प्रकार की स्थिति ये साबित कर रही है कि भारत नगर में कुछ गलियों के रोड एवं सर्विस लाइन भी कच्ची है। उन नालियों का गंदा पानी नागरिकों के घरों में प्रवेश कर रहा है, जिससे मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। पिछले कई सालों पहले कच्चा नाला भी मनपा द्वारा खुदवाया गया, पर आज तक उस नाले की साफ सफाई भी नहीं की गई है, ना ही आज तक उस कच्चे नाले का बांध काम किया गया। वो नाला कचरे से भरा हुआ पड़ा है। महानगर पालिका कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। केवल दो दिन की बारिश ने महानगर पालिका की साफ सफाई अभियान की पोल खोल कर रख दी है, जबकि अभी और अधिक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस भारत नगर की स्थिति को देखते हुए स्थानीय नागरिकों में इस प्रकार की चर्चा चल रही है कि भारत नगर वासियों को घर तक आने जाने के लिए प्रशासन ने नाव या मोटर बोट की सुविधा उपलब्ध करके देनी चाहिए, ताकि वो अपने घर सुरक्षित रूप से पहुंच सकें, ऐसा भारत नगर के नागरिक कह रहे हैं। अब देखते हैं कि मनपा इस ओर क्या कदम उठाती है। इस ओर सबकी नजर लगी है। अकोला 24 न्यूज के लिए सईद खान के साथ मेहताब शाह की रिपोर्ट।